फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स अभी जो हम फिर जा रहे हैं एक नए जगह पे, जो मंदिर है प्रकाशेश्वर मंदिर, जो मसीह रोड पे जो महादेव की जो मंदिर है, प्राचीन काल के मंदिर। और आप सबका वेलकम टू प्रकाशेश्वर मंदिर और मसीह रोड जो देहरादून उत्तराखंड की देवभूमि में है। फ्रेंड्स फिलहाल हम अभी ऑन द वे टू मसीह रोड पे हैं, जो मंदिर की ओर जा रहे हैं देहरादून रोड पे, जो श्री प्रकाशेश्वर महादेव टेम्पल्स। और आपको बताने जा रहा हूँ, मंदिर जाने से पहले मंदिर के बारे में जानना जरूरत है। सो इसीलिए मैं आपको जाते चलते चलते ऑन द वे पे आपको बताने जा रहा हूँ मंदिर के बारे में। फ्रेंड्स तो दोस्तों आप सुनिए, जो प्रकाशेश्वर महादेव टेम्पल इज अ टेम्पल ऑफ द गॉड शिवा लोकेटेड ऑन देहरादून मसूरी रोड इन उत्तराखंड। दिस टेम्पल इज पॉपुलरली नोन एज प्रकाशेश्वर महादेव टेम्पल लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल सेब्रिंग। देयर आर मेनी शिवा टेम्पल्स इन देहरादून, बट दिस शिव टेम्पल इज यूनिक स्पेशल टेम्पल इन इंडिया, जो काफी अनुभव अद्भुत और अलग टाइप का शिवलिंग शिव मंदिर है। यहाँ पे प्रसाद जो चढ़ावा नहीं जाता है, यहाँ पे जो फल उल्कुश चढ़ावा नहीं जाता। यहाँ आप आइए, प्रणाम पूजा कीजिए, उसके बाद यहाँ की प्रसाद का भोग लीजिए। और फ्रेंड्स ये जो टेम्पल है मसूरी रोड सालन गांव भगवानपुर खाला गांव उत्तराखंड जाते से रोड पे है, इसका लोकेशन का पॉइंट है। एंड द टेम्पल इज ऑलवेज फिल विद द नंबर ऑफ डेवोटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सावन एंड द फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि। और श्री प्रकाशेश्वर इज द यूनिक टेम्पल एज द नेम ऑफ द टेम्पल इज वेरी यूनिक एंड नो अदर टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा has this name in Dehradun. Prakashesar is combining two Hindi words where Prakash means light or the rays and the Ishwar means the God. Friends, the Prakashesar temple of Lord Shiva is more than 1000 years old Shiva temple. It won by the private board. Due to this temple being on the mountain, the beautiful views of the Dehradun can be seen. One of the features of the temple is that no devotee can offer the money in this temple. That it's because according to the temple organization, what we can give to Lord Shiva. Therefore, at the some place in the temple premises, on the note board, please do not give any kind of donation to the temple. Due to these features of the temple, this temple is very famous because it is the only temple in India where no donation are taken. और ये जो काफी अद्भुत लगा यहाँ आके हमें, जो फैंस वाकई यहाँ पे कोई डोनेशन और दान आप दे नहीं सकते हैं। एंड देयर इज नो डोनेशन बॉक्स अराउंड द टेम्पल्स। और यहाँ पे जिस मंदिर परिसर में कोई दुकानें हैं नहीं, यहाँ पे फूल और प्रसाद के लिए जो इंडिया के हर कोने में रहता है, पर बात यहाँ पे प्रकाशेश्वर मंदिर पे है नहीं। एंड और विद इन द टेम्पल यू जस्ट अलाउड द Pouring holy water on the shivling, as there are many ports and water services offer water on the shivling. यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आप शिवलिंग के पास ही है जो जल अवेलेबल है, आप बाहर से भी ला नहीं सकते, यहाँ ही पे जल उपलब्ध है, जो हर भक्त लोग आके यहाँ पे जल चढ़ा जाते हैं। और दोस्त श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर का पवित्र स्थल बहुत ही धार्मिक महत्व रखता है और कई वर्षों से पूजा का स्थान रहा है। ऐसे माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहाँ पे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ऋषि प्रकाशेश्वर ने भगवान शिव का ध्यान और पूजा की थी। पिछले कुछ वर्षों में यह मंदिर स्थानीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और दूर दूर से यहाँ से तीर्थ यात्रा के आकर्षित कर रहा है, जो काफी खूबसूरत यह मंदिर है। और यहाँ पे हर भक्त लोग आते हैं इस मंदिर को दर्शन के लिए। और हमें बहुत ही अच्छा लगा इस मंदिर के दर्शन करने के बाद, उम्मीद है आपको भी अच्छे लगे। और जो दोस्तों श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य आकर्षण ये है कि स्थापित शिवलिंग जो दुर्लभ पत्थरों और स्टिक के बने हैं, सॉप्टिक के बने हुए हैं। सॉप्टिक एक प्रकार का जो बर्फ का पत्थर है, तो जो लाखों वर्ष बर्फ में दबे होने के बाद में यह जो पत्थर बनता है, और इसी से ही जो शिवलिंग बनी है। यह देखने में चमकदार पारदर्शी और कठोर होता है, जो काफी सब वाइटनेस और काफी अच्छी है। आपको इंडिया में हर कोने में ये शिवलिंग मिलेगा नहीं देखने के, यह काफी अद्भुत शिवलिंग है। आप लोग आइए जरूर जो भोले बाबा के दर्शन के लिए। वेलकम टू प्रकाशेश्वर शिवलिंग ऑफ देहरादून रोड पे जो श्री फ्रेंड्स अभी जो हम हाईवे पे हूँ, जो मेन रोड पे जो मसूरी की रोड है यहाँ पे, और आपको मसूरी रोड देहरादून मसूरी रोड पे जाते समय आपको जू मिलेगा,
जो जू जो है काफी खूबसूरत जू है, बहुत बढ़िया जू है। अब लोग आइए देहरादून का, यहाँ जो एनिमल्स है नेचुरल, जो यहाँ की जो यहाँ से जो एनिमल जंगल में मिलते हैं मोस्ट ऑफ वही लोग है, आपको देखिए एंजॉय कीजिए। यहाँ का जू काफी खूबसूरत लोकेशन पे है और मैं अभी जो हूँ मसूरी की रोड पे और एंजॉय कर रहा हूँ आज के डे। फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सैटरडे और संडे को मसूरी की जो काफी ही हाँ लोकेश रहता है, जो मंडे के दिन खुला खाली रहता है, मंडे को खाली रहता है, मंडे सैटरडे संडे वीकेंड है, बहुत भीड़ है, वीकेंड में भीड़ रहता है मंडे को। फ्रेंड्स आप लोग आने से मसूरी आने से सैटरडे संडे को मत आइए, क्योंकि काफी भीड़ रहता है। जो एडजेसन स्टेट है तो दिल्ली के जो टूरिस्ट लोग है यहाँ घूमने के लिए आ जाते हैं और यहाँ जो काफी भीड़ ब्लॉकेज होता है रोड ब्लॉकेज, आप वीकेंड छोड़ के किसी भी दिन यहाँ पे विजिट कीजिए और आपको अच्छे लगेंगे। ब्यूटीफुल लोकेशन देहरादून, वाह वाह। मसूरी रोड की ये सीन है, मेन रोड की सीन है। यहाँ पर जू है, जू वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क। हाँ नेशनल पार्क दून करके जू, जू जू नेशनल जू नेशनल पार्क है देहरादून के जू मसूरी रोड पे पड़ते हैं। ये बॉर्डर है ना, ये पूरा अंदर अच्छा है, ये भी घुमाऊंगा कला अगर आप चलेंगे। फ्रेंड्स ये जो है देहरादून की जू है, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जू देहरादून की जू, हम लोग यहाँ आएंगे फ्रेंड्स, आपको दिखाऊंगा जू का भी एंजॉय लूंगा और आप तक पहुंचेगा मेरे, जो यहाँ आपको घूमने में ऐसे लग रहा है जैसे मैं आसाम में घूम रहा हूँ और नॉर्थ ईस्ट मेघालय शिलोंग में घूम रहा हूँ ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स। शहीद पंकज गुरुद्वार, ये गुरुद्वार का लोकेशन गेट है, ये बिल्डिंग भी काफी खूबसूरत है। फ्रेंड्स आपको कैसे लग रहा है, और हमें तो काफी मजा लग रहा है, मैं एंजॉय कर रहे हम लोग यहाँ पे जो समर वेकेशन विद फैमिली। आप लोग आइए फैमिली के साथ में और उत्तराखंड की जो सैर कीजिए और काफी अच्छे लगेंगे। और क्लाइमेट चेंज, यहाँ का क्लाइमेट काफी अच्छी है। नॉर्थ ईस्ट पीपल्स असम असम राइज आपका यह रहें भल लगे जो उत्तराखंडो असमों निष्क्रिय ठंडा बतर तो एने क्लाइमेट ह्यूमिडिटी क्लाइमेट जेने गुवाहाटी क्लाइमेट আছে অসমৰ ক্লাইমেট এনেকুৱাই আছে ইয়াত, আৰু চাই ভাল লাগিব। আপোনাক আহক যে ৱেলকাম টু দেহৰাদুন, আৰু ইয়াত ফুৰক যে উত্তৰাখণ্ড, আমি ভাল লাগিছে ইয়াত ফুৰি আহি। ফ্ৰেণ্ডছ যো মে ভাষা বোল যো মেৰ ভাই চাহ সমজ মে নাই কিয়া বোলা মে তো মেনে বোলা কি ইয়াত আকি আপ ঘূমিয়ে উত্তৰাখণ্ড কে মজা লিজিয়ে অর এনজয় কিজিয়ে। उत्तराखंड एक देवभूमि है, आप लोग आइए देवभूमि में घूमने के लिए फ्रेंड्स। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मसूरी का रोड है। फ्रेंड्स हम पहुंच गए यहाँ प्रकाशेश्वर मंदिर जो उत्तराखंड की देवभूमि में, आपको भी ले जा रहा हूँ कुछ बताने जा रहा हूँ मैं जो ये प्रकाशेश्वर मंदिर के बारे में। फ्रेंड्स उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है, यहाँ कदम कदम पर भगवान के चमत्कारी मंदिर स्थित है जिसके चमत्कार जग जाहिर है। इन्हीं मंदिरों में से एक है शिव जी का प्रसिद्ध जो प्रकाशेश्वर मंदिर, महादेव की मंदिर। और इस मंदिर का खासियत यह है कि यहाँ मंदिर में चढ़ावा यानी दान या चढ़ाना सख्त मना है। इस मंदिर में हरी भरी पहाड़ियों के बीच सड़क के किनारे देहरादून मसूरी मार्ग पर स्थित है फ्रेंड्स। और आपको देखा जाएगा कि फ्रेंड्स उत्तराखंड से लेकर पूरे भारत में कई शिव मंदिर हैं, लेकिन यह शिव मंदिर कुछ विशेष है। इस मंदिर में हिंदू त्योहार
शिवरात्रि और सावन के महीने में भक्तों को तांता लगा रहता है। और फ्रेंड्स, ये प्रसिद्ध श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों को किसी भी प्रकार का चढ़वा भेद दान करना मना है, यहाँ तक कि गुप्त दान भी स्वीकार नहीं किया जाता है। यही वजह है कि इस मंदिर के बाहर आपको प्रसाद या फूलों का कोई दुकान आपको दिखाई नहीं देगी। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए यह प्रकाशेश्वर मंदिर जो उत्तराखंड के देवभूमि में, आपको भी ले जरा कुछ बताने। हेलो फ्रेंड्स, मंदिर जो काफी अच्छा है, यहाँ पे आइए आप लोग, जो भोले बाबा परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ आके जो विजिट कीजिए, काफी अच्छे लगे। यहाँ की जो प्रसाद है काफी मन को शांति मिलता है, हर थोड़ा सा खाने में पेट भर जाता है। आप आइए प्रसाद खाने के लिए यहाँ के मंदिर पे। फ्रेंड्स, जो मंदिर है महादेव की प्रकाशेश्वर मंदिर जो मसूरी रोड पे है, हमें काफी अच्छे लगे यहाँ के दर्शन किए। और आप लोग थे, उम्मीद है आप लोग यहाँ के मंदिर आके दर्शन करिए मसूरी जाते समय, और आप लोग अवश्य आइए। जब मंदिर जो काफी खूबसूरत है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स प्लीज दिस माय ब्लॉग, मैं दास प्रदीप और आप अहम राज यहाँ प्रकाशेश्वर मंदिर जो महादेव मंदिर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। मंदिर का मुख्य आकर्षण यह है कि स्थापित शिवलिंग जो दुर्लभ पत्थर और सॉप्टिक का बना हुआ है। वह सॉप्टिक एक प्रकार का बर्फ का पत्थर है जो लाखों वर्ष बर्फ में दबे होने से बनता है और दिखने में पारदर्शी और कठोर होता है। मंदिर के ऊपर लगभग 150 त्रिशूल बने हुए हैं जो मंदिर के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। मंदिर का मुख्य हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वापस जा रहे हैं अभी हरिद्वार की जो प्लानिंग है, हरिद्वार घूमने के लिए। अभी मंदिर जो घूम लिए हम लोग, और अभी जा रहा हूँ फ्रेंड्स हरिद्वार की ओर। यहाँ के मंदिर काफी अच्छे थे। अभी फ्रेंड्स हम जा रहे हैं हरिद्वार की ओर, और यहाँ के मंदिर का मैं भी कुछ दिखा रहा हूँ आपको, जो पहाड़ जो कितने खूबसूरत पहाड़ से आप देखिए फ्रेंड्स, जो मंदिर की जो घंटी बज रही है, हर कोई आके पूजा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हर कोई यहाँ आके जो भोले बाबा की जो प्रार्थना करते हैं यहाँ पे, यहाँ का जो प्रसाद जरूर खाइए यहाँ आने से, जो काफी अच्छे लगेंगे प्रसाद खाने में। और यहाँ जो मन शांति मिला, भोले बाबा हर किसी को भोले भला करे, यही भोले बाबा करते हैं। और आइए यहाँ एंजॉय कीजिए। और उम्मीद है जो मेरा ब्लॉग के है, पर जो मंदिर है यहाँ आप जरूर आइए, जो प्रकाशेश्वर मंदिर जो महादेव के मंदिर है देहरादून मसूरी रोड पे। लव यू अस्सलाम फ्रेंड्स, व्यूज माय ब्लॉग, और पसंद कीजिए मेरा ब्लॉग को और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज दिस माय ब्लॉग, मेरा ब्लॉग को तो आप थोड़ा सा देखिए यहाँ तक पहुँचाया, और आगे भी हमें ले जाइए फ्रेंड्स। जो उम्मीद है जो मेरा ब्लॉग आपको अच्छे लगेंगे, जो देहरादून की जो मसूरी रोड की रोड फ्रेंड्स, अभी डाउनवर्ड को जा रहा हूँ हम लोग देहरादून, बैक रिटर्न टू देहरादून, उसके बाद प्लानिंग करता हूँ हरिद्वार की। और फ्रेंड्स इससे पहले कुछ खाता हूँ रास्ते पे, अभी भूख लगी है थोड़ा, मंदिर दर्शन के लिए सुबह से कुछ खाना है फ्रेंड्स। और अभी जो रोड से डाउनवर्ड्स की व्यू जो काफ़ी सुंदर है फ्रेंड्स, देखिए जाते समय डाउनवर्ड्स की जो व्यू से रोड्स की जो सब ब्यूटीफुल लुकिंग्स आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का सीनरीज जो आप देखिए काफी खूबसूरत सीन्स है यहाँ की फ्रेंड्स। नहीं दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम को है क्योंकि वो भी हाइट पे है तो लगता ही दिन में सूरज लगता है। बारह किलोमीटर तेरा दुनिया से नहीं यहाँ पे कहाँ नाश्ता मिलता है खा लेता नहीं, उसके बाद हम छोड़ दियो आप। फ्रेंड्स
अभी हम लोग यहाँ पे कुछ नाश्ता के लिए आया है फैमिली, जो जायका दिल्ली रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अभी कुछ नाश्ता करते हो उसके बाद जाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको मैं ले जा रहा हूँ अभी जो रेस्टोरेंट पे, हम लोग अभी कुछ नाश्ता खाता हूँ, अभी आपको दिखाओ जो व्यूज। अभी काफी भूख लग गई थी, अभी खा के वापस हरिद्वार की ओर चलता हूँ फ्रेंड्स। हाँ कुछ भी ले लो। हाँ जाह्नवी परोठा खाएगा क्या? छोला भटूरा खाएगा? ठीक है तो चार छोला, ठीक। चाय मिलेगा ना? चाय, तीन चाय। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देहरादून मछली रोड पे जो रेस्टोरेंट में दिखाया बाहर से, और यहाँ आके अच्छे लगा आप आके यहाँ पे कुछ लाइट मील खा सकते हैं। यहाँ पे अच्छे हैं, यहाँ पे छोला भटूरा और कुछ कुछ और हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, आपको हर जो चाहिए वहाँ पे स्वीट्स हर कुछ मिलेगा। सबसे पहले यहाँ जो पानी, फ्रेंड्स अभी हम खा रहे नाश्ता में, ये काफ़ी टेस्टी यम्मी छोले भटूरे, यहाँ का जो छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी है, छोले भटूरे यहाँ भी खा रहे, यहाँ भी खा रहे छोले भटूरे। मोबाइल में फ्रेंड्स अभी खा रहा हूँ छोले भटूरे, बहुत ही टेस्टी। ओह वाओ ये देखिए फ्रेंड्स, ये नाश्ता जो आज बहुत तड़के की नाश्ता है हमारा फ्रेंड्स। खाने के बाद मिलता आपको, पहले खा लेता हूँ भर पेट। हेलो फ्रेंड्स यहाँ भी है, पहले पहले हमको चाय दी थी और मैं हम चाय पी रहे, चाय पी के देखता हूँ फ्रेंड्स कैसे चाय जो है, यहाँ की चाय जो है टेस्टी है, मसाला डाल के दिया मसाला चाय काफी टेस्टी है और अच्छे लगे पी के, बहुत ही टेस्टी है। वाओ हेलो फ्रेंड्स, ये मुंह मीठा करने के लिए ये खा के देखता हूँ, ये जो है गुलाब जामुन। फ्रेंड्स आप देखिए खाने में टेस्ट होगा फ्रेंड्स, ये जो है अभी फ्रेंड्स इसको टेस्ट करके मैं बताऊंगा कैसे है जो गुलाब जामुन जो। हेलो फ्रेंड गुलाब जामुन खा के पिछले का काफी दिन के बाद मीठा खाया, यहाँ आके अच्छा लगा, मीठा जब मैं कम खाता हूँ, आज खाया काफी अरसे के बाद में जब मीठा अच्छे लगे, कम खाना चाहिए मीठा, फिर भी आज खाना दिल हो गया, मैंने खाया बहुत टेस्टी यम्मी। फ्रेंड्स नाश्ता जो तगड़ा था, फिर मन नहीं माना यहाँ के चाय, फिर एक ऑर्डर किया चाय पी के, फिर अपने डेस्टिनेशन की ओर जाता फ्रेंड्स। प्लीज दिस टाइम लाग मिलते हैं ब्लॉग पे ब्रेक के। सबसे पहले यहाँ जो पानी पीता हूँ, यहाँ की पानी जो काफी टेस्टी है, जो आसाम से यहाँ की जो पानी है वो टेस्टी है, पानी खा दो भी। ये जो रेस्टोरेंट है फ्रेंड्स जायका दिल्ली 6। हेलो फ्रेंड्स हमने ऑर्डर दे दी खाने के लिए और आने के लिए वेट कर रहा हूँ जो खाने के लिए, और मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो पूजा की जो शिवलिंग यहाँ पे जो कचिया जो भोले बाबा की ये है, यहाँ पे मैंने लिए रुद्राक्ष जो है, ओम नमः शिवाय हर महादेव। और आप लोग आइए जो देवभूमि जो देहरादून देवभूमि है जो, और काफी खूबसूरत है देहरादून देवभूमि, और आप लोग विजिट करने के लिए आइए और आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स जाह्नवी ने मार्केटिंग किया है, ये
रिंग खरीदे जो ब्यूटीफुल रिंग उसका जो चॉइस है ब्यूटीफुल है, और ये जो ब्रेसलेट खरीदा है काफी खूबसूरत है, और एक ब्रेसलेट ये है, और जो रिंग भी जानवी का जो रिंग है काफी अच्छे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग आने से मसूरी दे रहा हूँ आने से यहाँ स्टे कर सकते मसूरी आने से, जो काफी खूबसूरत जो फैमिली रेस्टोरेंट का हम यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं व्यू दिखाऊंगा जो अंदर की जो यहाँ के ब्यूटीफुल लोकेशन, रूम कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छे हैं। चलो फ्रेंड्स, अभी मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं लिफ्ट से जा रहा हूँ ऊपर, जो रेस्टोरेंट जो मेरा रूम है मैंने बुक किया है वहां पे आपको ले जा रहा हूँ दिखाने के लिए, जो काफी कंफर्टेबल और फैमिली स्टे जो यहाँ पे रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, जो होम स्टे जैसे लगे आप घर में रह रहा हूँ जैसे लगे, काफी कंफर्ट है यहाँ पे। आप लोग आइए विजिट कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ जो ऊपर जो है टॉप फ्लोर पे यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट का व्यू पहले मैं आपको दिखाऊंगा, काफी खूबसूरत है रेस्टोरेंट का व्यू से। आप देखिए फ्रेंड्स, आप फैमिली के साथ में यहाँ पे कुछ भी पार्टी कर सेलिब्रेट कर सकते हैं यहाँ आके। अगर आप घूमने आए थे मसूरी, यहाँ पे स्टे कीजिए और फैमिली के साथ में बच्चे के बर्थडे कीजिए, कुछ भी किट्टी पार्टी कुछ भी कीजिए, तो वहाँ पे हर चीज़ के खाने के लिए जो अवेलेबल से आपको मैं अभी यहाँ का थ्रू कुछ लुक शॉर्ट में दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी खूबसूरत है। आप देखिए बाहर से आपको व्यूज जो देखा गया मसूरी की रोड्स के जो व्यूज है, यहाँ से बाहर की विंडो से आपको दिखा देगा, और यहाँ विंडो से आप देख के जो यहाँ का आनंद ले सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है फ्रेंड्स। आपको मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये खोल के विंडो से यहाँ का व्यूज, जो जायका दिल्ली 6 की रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और फैमिली के साथ में यहाँ पे किट्टी पार्टी कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको थोड़ा व्यूज दिखा, अभी मैं आपको रूम पे ले चल रहा हूँ जहाँ पे मैंने बुक किया फ्रेंड्स। ये डाउनवर्ड्स पे रूम में जा रहा हूँ अभी। ठीक फ्रेंड्स, हमने ये रूम जो बुक किया है फैमिली के लिए अच्छे है, यहाँ पे खुला है, ये जो है आप दिखाऊंगा मैं, काफी कंफर्टेबल जो रूम्स है यार आपको मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी ये फ्रेंड्स, इसमें डबल बेड है रूम में, आप देखिए डबल बेड, दोनों दो बेड है यहाँ पे, एक है फ्रेंड्स इधर, एक है दो बेड्स है, और आपका एंटरटेनमेंट के लिए सामने एक टीवी है फ्रेंड्स, दो बेड है जो आपको यहाँ पे आप खुले आम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, जो ब्यूटीफुल से बेड कम्फर्ट है सोने में यहाँ पे फैमिली के साथ में। फ्रेंड्स, यहाँ से बेलकोनी है, यहाँ खूबसूरत है, बेलकोनी से आपको यहाँ का जो नजारा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो यहाँ का जो बेलकोनी है व्यू से आप यहाँ स्टे कीजिए, जो जायका दिल्ली 6 में जो रूम से जो काफी खूबसूरत है, दो डबल बेड है और काफी खूबसूरत है। मैं अभी मसूरी के जो रोड्स के जो व्यूज है यहाँ से बालकनी से दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, रूम जो काफी अच्छे हैं, आप लोग आइए यहाँ यहाँ स्टे कीजिए और अच्छे लगे आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, आप बताइए कैसे लगा, आप आके यहाँ रह सकते हैं, जो काफी खूबसूरत था यहाँ जो रेस्टोरेंट, और हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे, जायका दिल्ली 6 में स्टे कीजिए मसूरी और देहरादून आने से। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बाहर घूमने जा रहे हैं हरिद्वार की ओर। फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, बाहर निकल रहे हैं अभी घूमने के लिए, और भाई साहब के होटल जो है रेस्टोरेंट काफी अच्छे हैं, आप लोग आइए यहाँ पे स्टे कीजिए विजिट कीजिए, जो जायका दिल्ली 6 रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे होम स्टे कर सकते हैं आप, फैमिली घर की तरह लगेगा यहाँ पे आके। वेलकम टू जायका दिल्ली 6। हेलो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट किया, अच्छे लगा, यहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट है ये ढाबा जायका दिल्ली 6। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे मसूरी घूमने जा में रोड में इस ढाबा पे जो रेस्टोरेंट पे आप खा सकते हैं, जो काफी खूबसूरत जो टेस्टी यम्मी था, हमने खाए अच्छे लगे। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोग का जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया जायका दिल्ली 6 में, और उम्मीद है आप लोग भी यहाँ आके खाइए, जो खाना जो है हमको अच्छा लगे, जो आप लोग आके यहाँ का टेस्ट कीजिए। फ्रेंड्स,
मिलते हैं आप लोग ब्रेक के बाद। अभी गो टू हरिद्वार, हरिद्वार की ब्लॉग में दिखाऊंगा। और यहाँ जो है उत्तराखंड की देवभूमि काफी अच्छी है। और प्लीज मिस माई ब्लॉग, मैं 10 बजे आप देखिए जसपुर ब्लॉग। हेलो गुड फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग पे आप सबका स्वागत 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 है मेरे ब्लॉग पे। आप देखिए मेरा ब्लॉग। नाश्ता कर ली तगड़े से, अभी जा रहा हूँ हरिद्वार की जो बैठी है। तो अभी जो नेक्स्ट ट्रिप माई हरिद्वार देहरादून से हरिद्वार की ब्लॉग दिखाऊंगा। प्लीज दिस पहला हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, लव यू आसाम, लव यू इंडिया, लव यू ऑल फ्रेंड्स। ये रोड हेलो फ्रेंड्स, रोड देखिए कितनी खूबसूरत है ये। हेलो फ्रेंड्स, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। जान भी मुंह को जो ग्लास से विंडो से बाहर मत कर। और हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं देहरादून की गली में। अभी जब गली पे इतने मसूरी रोड पे फ्रेंड्स हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मसूरी रोड पे हूँ अभी, मसूरी रोड पे जो मेरी गाड़ी जो चल रही है मसूरी रोड, और हम एंजॉय कर रहे हैं मसूरी की जो रोड पे। काफी खूबसूरत रोड है यहाँ की, आप लोग देखिए जो सब ब्यूटीफुल रोड से। वाओ मजा आ रहा फ्रेंड्स। शिव मंदिर ये ना। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो मंदिर है जो यहाँ आ रहे हैं, जहाँ आए आने वाला से जाने वाला जा रहा था वहाँ का डेस्टिनेशन हम लोग पहुँच रहे हैं। शिव की मंदिर है यहाँ पे, हम लोग जाके वहाँ से दर्शन करके इनसे कांटेक्ट कीजिए और आपको सही रेट पे, आपको जो इस रीजनेबल रेट पे आपको पूरा देहरादून घुमाएंगे इनको। रेशम जी थोड़ा सा आपका सर्कल दिखा दीजिए, आपका चेहरा, आपको जो मैं ब्लॉग पे आपका नंबर जो ऐड कर दूंगा इनसे मिलिए भाई साहब से। ये काफी अच्छे भाई साहब है यार देहरादून के। थैंक यू रेशम जी। फ्रेंड्स यहाँ की रोड की जो व्यू अभी जो जा रही है यहाँ पे जो मसूरी रोड की जो मेन रोड पे पहुंच गया डाइवर्सन की, अभी ऐड होगा यहाँ से ये। फ्रेंड्स यहाँ की जो बिल्डिंग है मकान है जो देखिए कितने खूबसूरत। ठंड के मौसम में तो बहुत बढ़िया है, बहुत ठंड होती है, मतलब अच्छी होती है ठीक ठाक। हम मसूरी चले जाओ तो वहाँ तो बहुत ठंड है। मैं ना इधर कभी हिमाचल है, मनाली है, कुल्लू है। फ्रेंड्स हाँ ये जो रोड जी काफी खूबसूरत लगा, ये देखिए जो नॉर्थ ईस्ट जैसे लगता है फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट से गली भी ऐसे ही है, पहाड़ी छत्र, हर पहाड़ी छत्र ऐसे ही मिलेगा आपको। ये हयात होटल है, रेजिडेंसी, फाइव स्टार होटल ना, फाइव स्टार है फ्रेंड्स। ये हयात जो फाइव स्टार होटल है देहरादून की, फाइव स्टार होटल हयात। तो हम लोग घूमने जाएगा ना, तुमको रख के हम लोग घूमने जाएगा। फ्रेंड्स ये पहाड़ देखिए कितने खूबसूरत है पहाड़। जानवी लेफ्ट साइड में जू है, देखो लेफ्ट साइड में तुम खिड़की से देखो, खिड़की से देखो जू। हेलो फ्रेंड्स, देहरादून की जू की एंट्रेंस है ये है। Bye.
एंड फैंस आपको पसंद आएगा जो मेरा ब्लॉग आज की जो आज एंड और आज की जो ब्लॉग है मैं यही खत्म करने जा रहा हूँ। और माय नेक्स्ट ट्रिप इज ऋषिकेश जो काफी खूबसूरत प्लेस है जो उत्तराखंड के ऋषिकेश और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज व्यूज माय ब्लॉग। लव यू असल लव यू ऑल।